हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मजनू। लोग मुझे प्यार से मोजो बुलाते हैं। मैं क्यूट सा शरारती सा मंकी हूँ। मैं सर्कस में काम करता था। मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा करवाता था और खाने के लिए सिर्फ केले देता था, इसलिए मैं सर्कस छोड़कर भाग आया। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप मोहम्मद के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जब भी हम लोग ये वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आज ना स्कूल में क्रिकेट खेल के मजा ही आ गया। हाँ यार, लगता है वहाँ से कोई आ रहा है, मुझे छुपना होगा। आशु। हाँ। मेरा ना और क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है यार। क्रिकेट खेलने में ना टाइम लग जाएगा, एक काम करते हैं, हम लोग ना कैच कैच खेल लेते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा आइडिया है। अब रख भी देना, कितना खाएगा। चल ठीक है, खेलते हैं। हाँ चल। चल। हाँ मैं रेडी हूँ। हाँ? जल्दी बॉल देना। अरे जल्दी कैच कराना। ये ले। अरे वाह, ये तो कैच कैच खेल रहे हैं। मैं भी सर्कस में कैच कैच खेला करता था, बहुत मजा आता था। अरे वाह, चीज बॉल, मुझे चीज बॉल बहुत पसंद है, इसने ये चीज बॉल बैग में रख दी है। मुझे ये जाके खानी चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। जब तक ये लड़का खेलने में बिजी है ना, तब तक मैं इसके चीज बॉल्स खा लेता हूँ, यही सही मौका है। यार शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ चल। खुश है कैच कैच खेल लिया। हाँ बहुत मजा आया। अरे आशु क्या हुआ तुझे। यार पता नहीं मेरा बैग अचानक से इतना भारी कैसे हो गया। वो तू खेल खेल कर इतना थक गया है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। और यार भूख भी तो लग रही है मुझे, इसलिए भी ऐसा लग रहा होगा। हाँ चल अब घर चलते हैं, शाम को मिलेंगे। हाँ ठीक है चल चल। पता नहीं बैग इतना भारी कैसे हो गया। उस टाइम तो पार्थो ने मुझे खाने नहीं दिया, अभी खा लेता हूं। अरे ये कैसे खाली हो गया हैं? ये क्या है? मम्मी बंदर, मम्मी बंदर। तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम बोलते भी हो? हाँ, मेरा नाम है मोजू। मैं सर्कस में काम करता था, मैं बहुत मस्ती किया करता था, मैं डांस भी करता था सर्कस में, मैं टॉय बनने की बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ। लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं टॉय हूँ कि मंकी। मैं बहुत मल्टी टैलेंटेड हूँ। लेकिन तुम मेरे बैग में कैसे आए? जब तुम ग्राउंड में खेल रहे थे ना, तो मैंने तुम्हारे बैग में चीज बॉल्स देखे। मुझे बहुत भूख लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये चीज बॉल्स खा लेने चाहिए। और जब तुम आए तो तुमने मुझे अपने बैग में बंद कर दिया, और इस तरह से मैं तुम्हारे घर पे आ गया। अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताओ। हाँ? तुम तो सर्कस में काम करते हो ना, तो तुम हमारे ग्राउंड तक कैसे पहुँच गए? मैं सर्कस से भाग के आ गया, क्योंकि मेरा मालिक मुझे खाने के लिए कुछ नहीं देता था। अब मैं सर्कस से भाग गया हूँ ना, तो मेरा मालिक मुझे ढूंढेगा, तो क्या मैं छुपने के लिए तुम्हारे घर पे रह सकता हूँ प्लीज? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। प्लीज मुझे अपने साथ रख लो। अगर तुमने मुझे काट लिया तो? तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। अच्छा ठीक है, देखो अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है ना, तो बिल्कुल चुपचाप रहना पड़ेगा। अगर मम्मी को तुम्हारे बारे में पता चलेगा ना, तो हम दोनों को मार मार के इस घर से बाहर निकाल देगी, तो एकदम चुप। हाँ थैंक यू, मैं बिल्कुल चुपचाप यहाँ पे रहूंगा। दबा
दबंग 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 दबंग। अरे चुप हो जाओ, मम्मी आ जाएगी। अरे मैं रियाज कर रहा हूँ। आशु बेटा दरवाजा खोलो, तुम्हारे कमरे से कैसी आवाजें आ रही हैं? मम्मी आ गई। आशु बेटा आ रहा हूँ मम्मी। हाँ मम्मी। बेटा ये तुम्हारे कमरे से कैसी आवाजें आ रही हैं? वो मम्मी मैं ना जोर जोर से रिवाइज कर रहा था ना, तो उसकी आवाज आ रही होगी। पर आशु बेटा तुमने अपने कमरे का दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? मम्मी वो ना एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ मैं ध्यान से पढ़ाई करूँ एकदम मन लगा के, तो इसलिए मैंने दरवाजा बंद किया है। ठीक है मम्मी बाय। अरे आशु बेटा देखो, अगर तुम अच्छा अच्छा खाना खाना चाहते हो और मेरे साथ रहना चाहते हो ना, तो बिल्कुल चुप रहना, वरना सर्कस वाले आके ना तुमको पकड़ के ले जाएंगे और वापिस से ना तुमको केले खाने पड़ेंगे। तुम चाहते हो ऐसा हो? नहीं नहीं, मैं वापिस नहीं जाना चाहता। मेरा जो मालिक है वो मुझे सिर्फ केले खाने के लिए देता है, बाकी कुछ खाने के लिए नहीं देता। मैं अब चुपचाप यहाँ पे रहूंगा, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। अब से ना मैं चुप रहूंगा, प्रॉमिस। पर आशु क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है मैं लेके आता हूँ, लेकिन ना। हाँ हाँ। अरे वाह, अब तो मैं पेट भर के खाऊंगा। मौजू पहले तो मजा लग रहा हूँ। आशु। हाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन जा रहा हूँ। वहाँ खाने को भी मिलता है? नहीं नहीं, वहाँ पे खाने को नहीं मिलता, वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। आशु मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ क्या प्लीज? मैं ना घर पे बहुत बोर हो रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। अरे किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। आशु तुम टेंशन मत लो, मैं ना अपने साथ सर्कस से बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स लेके आया हूँ। उनमें से ना एक रोबोट की भी कॉस्ट्यूम है। मैं ना सर्कस में स्टैचू बनने की भी एक्टिंग करता था। सबको लगता था कि मैं एक टॉय हूँ, तो जब हम बाहर जाएंगे तो मैं रोबोट की कॉस्ट्यूम झट से चेंज कर लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तुम मुझे रोबोट की तरह कंट्रोल करना, तो सबको लगेगा कि तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो। तो है ना ये अच्छा आइडिया? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हें कॉस्ट्यूम चेंज करके दिखाऊं? हाँ पहन के दिखाओ। I'm ready, आशु। चले? चलो चलते हैं। अब जल्दी से मेरे बैग में बैठ जाओ। ठीक है। अभी तक ना पार्थो आया नहीं है, मैं ना बैग साइड में रख देता हूँ। जैसे ही पार्थो आएगा ना, तो तू रोबोट बन के फटाफट से आ जाना। ओके। आशु हाय। सुन पार्थो आ गया है, तू आ जा। ओके आशु। आशु हाँ, ये क्या है? ये ना मंकी रोबोट है, मैंने बनाया है। तूने बनाया है मंकी रोबोट? ऐसा कभी होता है क्या? यकीन नहीं हो रहा ना तुझे? नहीं। अपने फोन से कंट्रोल करके दिखाऊंगा तुझे, रुक जा। हाँ हाँ, चला के दिखा। रेडी है? हाँ। हाँ। हाय। यार ये तो बड़ा कमाल है, है ना? हाँ। मुझे मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है आशु। हाँ मेरा ना डांस करने का मन कर रहा है। डांस? अरे आशु मेरे साथ डांस करो। ठीक है। आशु आशु। हाँ? पार्थो आ गया, जा जा जा। हाँ? आशु हाँ, तू ये किससे बातें कर रहा था? वो टीचर ने ऐसे याद करने के लिए दिया था ना। हाँ? तो मैं वो याद कर रहा था। तो ऐसे ऐसे डांस करके? वो ना ऐसे 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 करके डांस करके ना जल्दी याद हो जाता है। हाँ तू सीखना चाहता है? हाँ हाँ। चल तुझे सिखाता हूँ। हाँ, हाँ। प्लीज चल। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। आशु हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ। वहाँ खाने को भी मिलता है?
खाने को नहीं मिलता तो नहीं है, एक्चुअली घर से ही टिफिन बना के ना ले जाना पड़ता है। पर तुम लेके जा रही हो ना? हाँ। मुझे भी लेकर चलो ना प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब मैं ना तुम्हें अपने साथ स्कूल में नहीं ले जा सकता, अगर बच्चों ने तुम्हें देख लिया ना तो चिल्लाना शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ साथ ना मुझे भी स्कूल से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, तो प्लीज मैं ना तुम्हें अपने साथ ना नहीं ले जा सकता। आशु प्लीज मुझे ले चलो, मैं चुपचाप ना बैग के अंदर रहूंगा, बिल्कुल शोर नहीं करूंगा, प्लीज मुझे ले चलो। अच्छा ठीक है, बिल्कुल चुप रहना। हाँ चुप। हाँ आ जाओ। आशु। हाँ। आज लेट कैसे हो गया? यार वो ना एक्स्ट्रा क्लासेस की बुक्स नहीं मिल रही थी ना, इसकी वजह से लेट हो गया। अच्छा, वैसे तू झुक झुक के क्यों चल रहा है? वो एक्स्ट्रा क्लासेस की बुक्स एक्स्ट्रा हो गई ना। हाँ। उसकी वजह से। ए चश्मिश। हाँ? ये कौन बोला? मुझे कैसे पता यार, लेट हो रहा है ना स्कूल के लिए। चल 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 चल। हाँ चल। मोजो तू ना अंदर जा, फसाएगा मुझे। अरे? आशु वो देख वो क्या है। हाँ चल चल दिखाता हूँ तुझे। क्या है? मोजो तू तो फ्रूट्स के साथ साथ सब्जी भी नहीं छोड़ता। मम्मी भी पूछ रही है कि सब्जियां आजकल कहाँ गायब हो रही हैं। भूखड़ कहीं का, रुक जा लाता हूँ। आशु। हाँ मुझे ना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। जहाँ पे मैं सर्कस में काम करता था ना, वो लोग मुझसे बहुत काम करवाते थे और खाने के लिए कुछ नहीं देते थे। मैं वहाँ वापिस नहीं जाना चाहता। तुम मुझे वापिस सर्कस तो नहीं भेजोगे ना? नहीं, मैं ना तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। थैंक यू आशु। आशु। कुछ खाने के लिए दो ना। पांक। अरे ये तो सो गया। ओह नो। आशु चलना खेलने के लिए। पार्थो आजा, थोड़ी देर बाद खेलने चलेंगे। अच्छा ठीक है। आशु। हाँ? तेरा ये टॉय तो बड़ा अच्छा है ना, बिल्कुल रियल नहीं लगता? हाँ सच में। हाँ। पूरा रियल लग रहा है। पार्थो खाएगा? हाँ खाऊंगा। मंकी। अरे तू टेंशन मत ले, ये कुछ नहीं करेगा, ये बहुत फ्रेंडली मंकी है। काट लेगा। अरे कुछ नहीं करेगा, तू घबरा मत। वैसे आशु ये तेरे पास कैसे आया? हाँ। ये बेचारा ना सर्कस में काम करता था, इसका मालिक इसको खाने के लिए नहीं देता था, इसलिए ये वहाँ से भाग गया। एक दिन जब हम खेल रहे थे ना। हाँ। पता नहीं कहाँ से मेरे बैग में आया और मैं इसे अपने साथ ले आया। तब से ना ये मेरे साथ रह रहा है, बिल्कुल मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है, तेरी तरह। तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये बोलता भी है। हाँ। हाँ? हाई बोली से। हाय। हाय चश्मिश। हो। सॉरी। हाय पार्थो। हाय। पार्थो। हाँ? मुझे प्रॉमिस कर, तू इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा, ये सीक्रेट रहेगा हम दोनों के बीच। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस।
नहीं बताऊंगा। चल अब खेलने चलते हैं। हाँ इसे भी साथ लेके चले। हाँ बिल्कुल चल। चलो चलो चलो। चल टीवी देखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सर्कस से बंदर हुआ गायब। बंदर का नाम है मोजो। सर्कस के मालिक का कहना है कि बंदर बहुत खतरनाक है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये बंदर किसी के भी घर में घुस जाता है और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। अब तक ये बंदर कई सारे बच्चों को काट चुका है। इस भोले भाले से दिखने वाले बंदर पे आप लोग भरोसा ना करें। ये दोस्ती करता है फिर सामान लूट कर भाग जाता है। अगर आपको ये बंदर कहीं भी दिखे तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। फटाफट से मॉग में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें और कौन सी न्यू टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको हमारा क्यूट सा मंकी कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को दबाएं एंड सब्सक्राइब करें टू मॉग मीट।